तहसीलों एवं पन्ना जिले के पत्रकारों के द्वारा स्थानीय पत्रकार के विरोध में फर्जी मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया कलेक्टर सहित एसपी को। पन्ना जिले की समस्त तहसीलों एवं जिले के पत्रकारों के द्वारा मुंडवारी के स्थानीय पत्रकार रजनीश नामदेव एवं उनके परिवार के ऊपर ANM नीतू वर्मा के द्वारा दर्ज कराए गए फर्जी मामले को लेकर कलेक्टर संजय मिश्रा, एसपी पन्ना मयंक अवस्थी, CMHO पन्ना LK तिवारी को ज्ञापन सौंपा एवं न्यायालय जांच की मांग की, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के पत्रकार शामिल हुए। कलेक्टर मिश्रा ने पत्रकारों के समक्ष अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने का भरोसा दिया और कहा कि मीडिया निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोरोना काल के कारण सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग स्वयं तथा दूसरों से भी करवाएं। किन समस्याओं को लेकर आज एसपी ऑफिस में ज्ञापन दे रहे हैं? हमारे जो है मड़वारी के पवई क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मड़वारी है, वहाँ के हमारे पत्रकार हैं रजनीश नामदेव। उन्होंने जो है अस्पताल के कर्मचारी के खिलाफ जो है कुछ जानकारियां तक इकट्ठी करके उस समाचार निकाले, उस समाचार के आधार पर उस कर्मचारी महिला कर्मचारी द्वारा इनसे दुष्ट होकर के इन्हें जबरदस्ती इनके खिलाफ कार्रवाई कराई और इन्हें हर जगह लगवा करके इनको और साथ में इनके पूरे परिवार को फंसाने का पूरा प्लान। ये गलत है, कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। वही पत्रकारों को जो है साथ गलत किया जा रहा है। अगर इस तरह की हरकतें होगी तो पत्रकार कैसे समाचार एकत्र करेंगे, कैसे समाचार लगाएंगे? ये पत्रकारों जगत के लिए एक दुख की बात है कि जो पत्रकारों के साथ इस तरह से ऐसी हरकत की जा रही है। आज एसपी साहब से मुलाकात भी क्या कहा है? एसपी साहब को ज्ञापन देने के पास सभी जिले के पत्रकारों ने सभी ने मिल करके ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के आधार पर एसपी साहब ने कहा है कि बस ये इसकी जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। पूर्व में भी दो बार रजनीश के द्वारा आवेदन दिया जा चुका है पुलिस अधीक्षक महोदय को, किंतु क्या कारण है कि आज पूरा पत्रकार समूह इकट्ठा होकर आना पड़ा? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जिला चिकित्सालय के जो अधिकारी हैं वो जो है उसके खिलाफ पक्ष ले रहे हैं और कहीं ना कहीं दूर ये कहा जा सकता है कि पुलिस विभाग को भी दबाया जा रहा है, जिस कारण से आज पन्ना के पत्रकारों को इकट्ठा होना पड़ा। KNN न्यूज़ के लिए पवई से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट।